सब्सक्राइब कीजिए ई हिंदी उर्दू चैनल को और प्रेस कीजिए इस बेल आइकन को हमारे टेक वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो दोस्तों, ई हिंदी उर्दू चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ आपकी विंडोज 11 पीसी में जब भी आप अपने विंडोज 11 को जो है अपडेट कर रहे हैं दोस्तों, तो उस समय जो है आपको इस तरह का एरर मैसेज मिल रहा है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कम्प्लीट अपडेट टू मेंटेन सिक्योरिटी ऑफ योर डिवाइस, और उसी के नीचे और भी इसके डिटेल्स मिल जाएंगे, योर डिवाइस इज मिसिंग इंपॉर्टेंट सिक्योरिटी अपडेट्स। मुझे भी ये एरर कई दिनों से फेस करने को मिल रहा है, फाइनली मुझे जो है इसका इजी एंड सिंपल सॉल्यूशन मिल गया। तो जब भी आप इस तरह का एरर फेस करें तो सबसे पहले आपको क्या करना है दोस्तों, विंडोज सेटिंग्स में ही आपको जो है सिस्टम का एक ऑप्शन मिल जाएगा लेफ्ट पैनल में, उस पर क्लिक कीजिए और राइट पैनल में नीचे स्क्रॉल कीजिए, ट्रबल शूट को फाइंड आउट करके उसको ओपन कीजिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ से अदर ट्रबल शूटर को ओपन कीजिए इस तरीके से और नीचे स्क्रॉल कीजिए और फाइंड आउट कीजिए विंडोज अपडेट। आप यहाँ पे देख सकते हैं, तो जस्ट रन पे क्लिक कीजिए, ट्रबल शूटर जो है दोस्तों स्टार्ट हो जाएगा। जैसे कि अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये प्रोसेस में थोड़ा टाइम लग सकता है आपको। जो भी ऑन स्क्रीन प्रोसेस आपके पास आ रहा है आप उसको जो है केयरफुली एक मरतबा रीड करके ये जो भी प्रोसेस है उसको आप कंप्लीट कीजिए ट्रबल शूट का, ठीक है। ट्रबल शूट कम्प्लीट होने के बाद दोस्तों हो सकता है आपका जो प्रॉब्लम है सॉल्व हो जाएगा। इन केस इससे अगर आपका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा है तो अब आपको क्या करना है दोस्तों, आपको जो है एक मरतबा आपका पीसी लैपटॉप जो भी आप यूज़ करते हैं उसको रीस्टार्ट कीजिए। रीस्टार्ट करने के बाद अब आपका जो प्रॉब्लम है 100% सॉल्व हो जाएगा। इन केस इससे भी अगर आपका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा तो आप जो है नेक्स्ट मेथड ट्राई कर सकते हैं। विंडोज़ की प्रेस कीजिए, यहाँ पे आपको जो है सर्विसेज जो है टाइप करना है और उसके बाद उसको ओपन कर लेना है, ठीक है। सर्विसेज में आपको फाइंड आउट करना है विंडोज़ अपडेट, तो विंडोज़ अपडेट यहाँ पे सर्च कीजिए और उसको फाइंड आउट कीजिए। आप यहाँ पे देख सकते हैं विंडोज़ अपडेट यहाँ पे, उसको डबल क्लिक करके ओपन कीजिए। इसका जो स्टार्टअप टाइप है ये अगर मैनुअल या फिर डिसेबल रहा तो आप इसको जो है ऑटोमेटिक कीजिए। ऑलरेडी अगर वो ऑटोमेटिक है एक मरतबा आप इसको जो है स्टॉप करके स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। ऑटोमेटिक यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है, अप्लाई पे क्लिक करना है, ओके पे क्लिक करना है, डेट्स इट, ठीक है। उसके बाद अब आपको जो है फिर से आपकी विंडोज सेटिंग्स में जाके विंडोज अपडेट में जाना है। अब देखिए आपका जो प्रॉब्लम है 100% यहाँ पे सॉल्व हो जाएगा। तो अगर इन केस ये मेथड भी आपके पास वर्क नहीं कर रहा है तो आप जो है नेक्स्ट मेथड ट्राई कर सकते हैं। अब आपको जो है कंट्रोल पैनल ओपन करना है और यहाँ पे आपको अनइंस्टॉल प्रोग्राम में जाना है इस तरीके से, और लेफ्ट पैनल में आपको यहाँ पे ऑप्शन मिल जाएगा व्यू इंस्टॉल अपडेट्स, उस पर क्लिक कीजिए और जो भी आपके अपडेट्स इंस्टॉल है विंडोज़ के तो वो यहाँ पे आपको जो है शो कर जाएंगे, जैसे कि अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो अब आपको जो है दोस्तों यहाँ से वो अपडेट को अनइंस्टॉल करना है। उसको अनइंस्टॉल करने के लिए उसको सेलेक्ट कीजिए और यहाँ पे आपको जो है अनइंस्टॉल का एक ऑप्शन मिल जाएगा, जस्ट उसको अनइंस्टॉल कीजिए। जैसे आप अनइंस्टॉल करेंगे तो फिर से आपको जो है आपकी विंडोज सेटिंग्स में जाके उसको फिर से एक मरतबा अपडेट कर लेना है। विंडोज अपडेट में जाके यहाँ से आप इजीली उसको जो है अपडेट कर सकते हैं। तो ये है दोस्तों इसका फाइनल सॉल्यूशन। तो इस तरीके से आप इजीली जो है विंडोज़ अपडेट इशू को फिक्स कर सकते हैं। तो बस दोस्तों ज़्यादा कुछ है नहीं इस वीडियो में बताने के लिए, इजी सा शॉर्ट सा सिंपल सा वीडियो है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ गया हो तो दोस्तों लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू वेरी मच।